शिवलिंग जिसकी हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, उस पर दूध अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस शिवलिंग की उत्पत्ति ही कैसे हुई, यानी कि इसका जन्म कैसे हुआ? हम सब जानते हैं कि भगवान शिव अनादि है, लेकिन ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हुई जिससे कि शिवलिंग अस्तित्व में आया, यानी कि शिवलिंग की उत्पत्ति का कारण ही क्या है? शिवलिंग महापुराण में इसका सिलसिलेवार ढंग से वर्णन किया गया है। शिवलिंग महापुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच अपनी अपनी श्रेष्ठता साबित करने को लेकर विवाद हो गया। विवाद था कि आखिर बल, बुद्धि और ज्ञान के मायनों में से दोनों में से कौन ज्यादा श्रेष्ठ है। दोनों अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे, साथ ही साथ वे दोनों एक दूसरे का अपमान भी करने लगे। यह विवाद सुलझने के बजाय बढ़ता ही चला गया और कई हजार साल गुजर जाने के बावजूद यह विवाद शांत नहीं हुआ। लेकिन जब दोनों का विवाद चरम सीमा पर पहुंच गया, तब आसमान से अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ एक विशाल बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल शेप का पत्थर दोनों देवों के बीच आकर स्थापित हो गया। दोनों देव उस पत्थर को बहुत ही उत्सुकता से देखने लगे। तभी अचानक उस पत्थर में से एक आवाज आई जो थी कि जो भी इस पत्थर का आदि या फिर अंत यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ढूंढ लेगा, उसी को श्रेष्ठ माना जाएगा। इसके बाद दोनों देव इस पत्थर के रहस्य का पता लगाने में जुट गए। भगवान ब्रह्मा उस पत्थर के ऊपर की ओर बढ़े और भगवान विष्णु नीचे की ओर जाने लगे। कई हजार साल बीत गए, लेकिन दोनों में से किसी को भी उसके आदि या फिर अंत का पता नहीं लगा और दोनों पुनः उसी जगह पर आ पहुंचे जहां पर पहली बार उन्होंने इस विशाल पत्थर को देखा था। उस पत्थर के पास पहुंचते ही दोनों देवों को उस पत्थर में से एक ध्वनि सुनाई दी। वो ध्वनि थी कि क्या दोनों में से किसी को भी इस पत्थर का आदि अथवा अंत मिला? इस पर भगवान विष्णु ने अपनी हार स्वीकारते हुए यह मान लिया कि वे इस पत्थर का अंत ढूंढने में नाकाम रहे। परंतु भगवान ब्रह्मा ने अपनी हार न स्वीकारते हुए घमंड में आकर यह कह दिया कि उन्होंने इस पत्थर का शुरुआत यानी कि आदि ढूंढ लिया है, यही सोचते हुए कि उन्हें अब भगवान विष्णु से श्रेष्ठ गिना जाएगा। परंतु उन्हें इस झूठ के लिए श्राप दिया गया कि उनकी पूजा अब किसी भी मंदिर में नहीं की जाएगी। हालांकि बाद में उस श्राप को वापिस भी ले लिया गया। इसी के पश्चात उस पत्थर में से ओम स्वर की ध्वनि सुनाई देने लगी। इस स्वर को सुनकर दोनों को यह अनुमान हो गया कि यह कोई दिव्य शक्ति है, इसलिए दोनों देव ओम स्वर की ध्वनि की आराधना करने लगे। ब्रह्मा और विष्णु की आराधना से भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए और इस विशाल पत्थर में से स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने दोनों देवों को सद्बुद्धि का वरदान दिया और वहीं उस विशाल शिवलिंग के रूप में स्थापित होकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। शिवलिंग महापुराण के अनुसार यही विशाल पत्थर भगवान शिव का सबसे पहला शिवलिंग माना जाता है। शिवलिंग के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य हैं जिनसे आप शायद ही परिचित होंगे। पहला तो ये कि शब्द शिवलिंग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शिव और लिंगम। शिव का मतलब है खुद भगवान शिव और संस्कृत में लिंगम का मतलब है प्रतीक और चिन्ह, जिससे हमें यह पता लगता है कि शिवलिंग का अर्थ है शिव का चिन्ह या फिर शिव का प्रतीक। आपको ये जान के बहुत ही हैरानी होगी कि शिवलिंग का उल्लेख सिर्फ भारत और सनातन धर्म में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कई जगह है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि रोमन लोग जिन्होंने शिवलिंग की पूजा को यूरोपीय देशों में बहुत ज्यादा प्रचलित किया था, वे शिवलिंग को शिवलिंग ना कहकर बल्कि प्रयापस कहते थे। लोगों के लिए शिवलिंग प्रयापस था। साथ ही साथ बेबलोन जो कि प्राचीन मेसोपोटामिया का एक शहर हुआ करता था, उसमें भी आर्कियोलॉजिकल खुदाई के दौरान कई सारे शिवलिंग के प्रतिरूप मिले। यहाँ तक कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी आर्कियोलॉजिस्ट को शिवलिंग और भगवान शिव की अलग अलग विभिन्न प्रकार की मूर्तियां देखने को मिली, जो कि इस बात को पूरी तरह से सिद्ध कर रही थी कि शिवलिंग का कॉन्सेप्ट सनातन धर्म और भारत तक ही सीमित नहीं है। यह शिवलिंग ही है जो कल भी था, जो आज भी है और जो कल भी रहेगा। यह शिवलिंग ही है जिसका न कोई आदि है और ना ही कोई अंत, और यह शिवलिंग ही है जो ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की समग्रता यानी कि टोटेलिटी का प्रतिनिधित्व करता है। तो मैं आपसे फिर मिलूंगा, आज के लिए बस इतना ही।